वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक वन बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 13, लेकिन आज हम यूनिट नंबर 13 का पार्ट 2 करेंगे जिसमें इसकी पोइम है एंड द पोइम टाइटल इज ऑफ टू द जू। ऑफ टू का मीनिंग होता है जाना, कहाँ पे जाना, द जू चिड़ियाघर। जैसे बच्चे ये सुनेंगे जू के बारे में सब बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे। हम उनसे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा जू में क्या क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे तस्वीरें वगैरह भी दी गई हैं, बर्ड्स स्नेक है, ठीक है, सब हम पूछ सकते हैं कौन कौन गया हुआ है, उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स देखे, सब इस तरह के डिफरेंट हम क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे। यहाँ पर वर्ड्स टू नाउ हैं याद रखने के अल्फाज जो कि हमारी पोइम से ही लिए गए हैं। इनके उर्दू मीनिंग साथ राइट कर दिए गए हैं जो कि हमारी पोइम में आएंगे। हम इनको पढ़ते हुए इसके मीनिंग्स पढ़ेंगे। अब हम पोइम को स्टार्ट करते हैं। आई एम ऑफ टू द जू, मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ। वाई डोंट यू कम टू, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। अब यहाँ पे जिसने ये पोइम लिखी है वो पोइट क्या कह रहा है कि मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। विल से हम पूछेंगे हाउ डिड डू टू द कैंगरू, कि हम कैंगरू से पूछेंगे आपका क्या हाल है। हाउ डिड डू का मतलब होता है क्या हाल है, या फिर इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। हाउ डिड टू डू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं या फिर आपका क्या हाल है। अब यहाँ पे पोइट ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम कैंगरू से पूछेंगे कि आपका क्या हाल है। द वाइट पोलर बियर, सफ़ेद रिच की बात हो रही है यहाँ पर, इज़ है श्योर, यकीनन, टू बी देयर, वहाँ होगा। सफ़ेद कुतबी रिच यकीनन वहाँ होगा। ऑन एन आइसी स्टेयर, नॉट गोइंग एनीवेयर, बर्फीली सीढ़ी, स्टेयर को होता है, सीढ़ी को कहा जाता है, आइसी को हम कहेंगे बर्फीली, नॉट गोइंग एनीवेयर, कि कहीं ना जाना होता, ठीक है, कि बर्फीली सीढ़ी पर कहीं ना जाना होता। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, डैट के द बेड्स नॉट लुकिंग टू फैट, कि उम्मीद करता हूँ कि चमगादड़ ज़्यादा मोटी नज़र नहीं आ रही होगी। बैट्स को हम चमगादड़ को कहते हैं। नॉट नहीं, लुकिंग नज़र आ रही, टू बहुत ज़्यादा फैट मोटी। अब पॉइंट कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा मोटी नज़र नहीं आ रही होगी। एंड और द मुंबई कैट्स नॉट वेयरिंग अ हैट, कि मुंबई की बिल्ली ने हैट नहीं पहन रखा होगा। कैट्स ने नॉट नहीं वेयरिंग पहना रखा होगा अ हैट, एक टोपी या हैट को, ठीक है। इट्स फन, मज़े का काम है, कम विद मी, मेरे साथ आओ, एंड यू आर श्योर टू सी, मज़े का काम है, मेरे साथ चलो और तुम यकीनन देखोगे। अ ग्रेट चिंपैंजी, कि एक बड़ा सा चिंपैंजी, अप अ मैंगो ट्री, क्या है मैंगो, किसे कहते हैं, दरख्त के, कि आम के दरख्त पर। दिस लॉट्स एट द जू, चिड़ियाघर में बहुत कुछ है, टू सी देखने के लिए, एंड टू डू और करने के लिए, कि चिड़ियाघर में बहुत कुछ है देखने के लिए और करने के लिए। सो लिहाजा, या फिर चुनाचा, बकल योर शू, कि अपना जूता बांधो, एंड और लेट्स ज्वाइन द क्यू, और कतार में लग जाते हैं। अब उसने क्या कहा है कि जल्दी से करो, अपना जूता पहनो और क्या कर जो कितार जो बनाई है उसमें आ जाओ, उसमें लग जाओ। ऐसे ही अब हमने क्या पढ़ी है जू के बारे में, इस पोइम को हमने रीड किया है। इसी तरह हम डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से कि वो चिड़ियाघर जब गए उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स देखे, कौन से ट्रीज देखे और क्या क्या देखा। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइजें सरगर्मियाँ, अंडरस्टैंडिंग द पोइम, नज़म को समझना। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कोशिश करें बच्चों से क्वेश्चन पूछें कि वो इसका क्या आंसर देते हैं। विच एनिमल विल द पोइट सी फर्स्ट, कि सबसे पहले शायर ने कौन सा जानवर देखेगा, ठीक है, वो क्या कहता है, वो किसको देखेगा। द कैंगरू, ठीक है, जब हम अपनी पोइम को रीड कर रहे थे तो सबसे पहले कैंगरू का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द पोलर बियर बी, कि जो पोलर बियर है मतलब रिच है जो, वो कहाँ होगा। ऑन द आइसी स्टेयर, किस पर होगा वो, जो बर्फीली सीढ़ी थी वहाँ पर।
What will they find on our tree? के दरख्त पर इन्हें क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे चिंपैंजी। इसने यही कहा था ना, ग्रेड वन है तो हम कोशिश करेंगे इसका शॉर्ट आंसर ही दें। What does the poet hope? शायर को किस चीज़ की उम्मीद है? इसका हम स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ही होप्स डैट, ठीक है, या फिर बस हम लिख सकते हैं कि द बैट इज नॉट लुकिंग टू फैट एंड मुंबई कैट इज नॉट वेयरिंग अ हैट। उसे यही उम्मीद थी कि जो चमगादड़ है वो ज़्यादा मोटी नज़र नहीं आएगी और बिल्ली जो है वो हैट नहीं पहनेगी। नेक्स्ट है, व्हाट हैव यू सीन टू अ ज़ू? यस, इसका आंसर देंगे कि क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? व्हाट डिड यू सी? तो आपने क्या देखा? यस, आई हैव सीन मैनी ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे कि आई हैव सीन, मैंने देखे मैनी ट्रीज, बहुत ज़्यादा दरख्त देखे, बर्ड्स परिंदों को देखा एंड एनिमल्स और जानवरों को देखा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए गए हैं जो कि हमारे पोइम की टेक्स्ट से लिए गए हैं, कि इनकी मीनिंग क्या है। ठीक है, ऑफ टू का मतलब होता है गोइंग टू, ठीक है, जाना। हाउ डू डू को मतलब होता है हाउ डू यू डू, मतलब आपका क्या हाल है। आइस का मतलब होता है मेड ऑफ आइस, ठीक है, ये कैट है बताया जा रहा है, अ टाइप ऑफ कैट, ये कैट की क्या जो नस्ल होती है उनमें से है। क्यों किससे कहते हैं? अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग, जो लाइन में लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके जंबल दिए गए हैं, आगे पीछे मीनिंग्स लिखे गए हैं, लेकिन हमने क्या करना है, उनको अरेंज करके उनके लेटर्स को लिखेंगे जो प्रॉपर एक मीनिंग बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। जैसे कि नीचे देखें, ठीक है, ओ डबल ओ जी कोई वर्ड नहीं बनता जब हम इसे अरेंज करेंगे, जी डबल ओ, तो ये जू, स्टेयर, पोलर, चम्पेंजी, क्यू, ठीक है, वो सारे हमारे बन जाएंगे, बकव, मैंगो एंड वेयरिंग। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना, आस्किंग क्वेश्चंस, इसमें हमें क्वेश्चन का बताया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को ग्रेड वन है तो डिटेल से बताएंगे कि बेटा क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लास्ट पे क्या लगाया जाता है। ठीक है, हम सारा अंडरस्टैंड कराएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं और इसे लगाना ज़रूरी होता है, ये हमें बताता है कि हमारा सेंटेंस क्या है। ठीक है, नीचे हमें बताया गया है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, ए वाला खुद सॉल्व कर दिया गया है, यस दे डिड, इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो हम क्या कहेंगे, डिड दे डू गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, इसका आंसर होगा यस दे डिड। यहाँ पे बी सी डी ई है जो कि आंसर की सूट में लिखा गया है, अगर हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे राइट करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं करने के काम, इन दोनों के नोट्स इकट्ठे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि टॉक अबाउट एनिमल्स इन द ज़ू, कि चिड़ियाघर में है जानवरों उसके बाद के बारे में बात कीजिए। डू यू थिंक एनिमल्स शुड बी पुट इन अ ज़ू, आपका क्या ख्याल है, जानवरों को चिड़ियाघर में रखना चाहिए? ड्रा सम पिक्चर्स, आप कुछ तस्वीरें यहाँ पे बनाइए एंड राइट सम फ्यू सेंटेंसेस टू, और जुमले भी लिखे। ठीक है, हम इसके बारे में बच्चों की आर्ग्यू लेंगे कि वो क्या कहते हैं, इनको ज़ू में रखना चाहिए या फिर नहीं, इन दोनों के नोट्स इकट्ठे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट है एनिमल्स, ठीक है, आर्ट है यहाँ पे। अब हमें कहा जा रहा है कि आप डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करेंगे, ठीक है, लीव्स है यहाँ पे, स्मॉल स्टोन्स, ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, फिर हमने क्या करना है, उन चीज़ों को यूज़ करके क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ें देखें, येलो लीफ लिया और इसी तरह लीटर ये लिए, तो हमने क्या कर लिया, एक स्पैरो ड्रा कर ली, इसी तरह बटरफ्लाई ड्रा कर ली, इसी तरह बच्चों से ये प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट था, यस दे डिड, इसको क्वेश्चन मार्क में करना हो तो हम क्या कहेंगे, डिड दे फिनिश दिस देयर वर्क होमवर्क? नो ही वाज नॉट, इसे क्वेश्चन में करेंगे, वाज ही प्रेजेंट इन द पार्टी? नो दे दे नो दे वरंट, वर दे मेकिंग एनी नॉइस? ठीक है, इसका हम ये करेंगे। नेक्स्ट है यस दे वर, वर दे प्लेइंग फुटबॉल? नेक्स्ट है येस इट वॉज, तो इसकी क्वेश्चन में कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे, वॉज इट नॉट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग? ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो हमें टास्क दिया गया उसको देख लेते हैं। ठीक है, जिसकी में हमने बताना है ज़ू के बारे में कि हमें चिड़ियाघर में जानवरों को रखना चाहिए या फिर नहीं। आई हैव सीन मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द ज़ू, हम यहाँ पे नेक्स्ट एनिमल्स के नाम बता सकते हैं। ठीक है, आई हैव सीन लाइन्स, टाइगर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, इन सब के नाम बता सकते हैं एंड डियर वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल वर हैप्पी टू सी सो मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इन वन प्लेस, के लोग इतने सारे जानवरों को देख के, परिंदों को एक जगह पे देख के बहुत ज़्यादा खुश थे।
आई फेल्ट ग्रेट पिटी ऑन फॉर दोस एनिमल्स, कि मुझे इन जानवरों पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ तरस आया। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि एनिमल्स शुड नॉट बी पुट इन अ ज़ू, कि जानवरों को इस तरह बांध के नहीं रखना चाहिए चिड़ियाघर में। आई हम ये भी कह सकते हैं दे शुड बी रिलीज्ड इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट सो डैट दे मे लिव इन अ फ्री एंड फुल लाइफ, कि इनके माहौल में छोड़ना चाहिए ताकि ये आज़ादाना ज़िंदगी को स्पेंड कर सकें। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कम्प्लीट हुआ। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।